ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा अति दुर्लभ यंत्र जो कि प्राचीन काल में हर तंत्र में प्रयोग होता था, और ये एक ऐसा जाल है जो कि विरले ही किसी के पास होगा। इस यंत्र को कहते हैं इंद्रजाल। इसकी बहुत बड़ी मान्यता थी, और जो इसका प्रयोग करना जानते हैं वो मालामाल हो जाते हैं, उनके भंडार जो हैं वो भर जाते हैं। किसी भी प्रकार का काला जादू उन पर नहीं हो पाता। यूँ समझिए कि ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा तिलिस्म है जो कि आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ, जिसके बारे में विरले ही कोई जानता होगा, लेकिन हमने इसे समुद्र में से प्राप्त कर लिया है। और इनकी विशेषताएं होती हैं, इनका रंग होता है, इनका रूप होता है, तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी जन है, वो समझते हैं कि कौन सा यंत्र कहां पर लगेगा। तो मैं बात कर रहा हूं महा इंद्रजाल की। बहुत पुरानी गाथा है, जब इंद्र का और रावण का युद्ध हुआ तो रावण को जो है इंद्र ने परास्त कर दिया अपने अनेकानेक माया जाल से। कुछ ऐसे ऐसे यंत्र तंत्र उन्होंने दिखाए जो कि रावण की समझ में नहीं आए। तो रावण ने घोर तपस्या की, और उसके बाद उन्हें पता लगा कि ये सब कुछ जो था वो इंद्र का जाल था, और वो सब कुछ संभव था इस इंद्र जाल से। आप पाएंगे कि जो इंद्र का जो यंत्र है, जो शस्त्र है, वो इंद्रजाल की ही तरह है। आप इन दोनों को कंपेयर करके देखना तो बिल्कुल वो इसी की तरह आपको दिखेगा, इंद्रजाल की तरह। तो क्या होता है कि ये जो इंद्रजाल है इसका ज्ञान रावण को नहीं था। तो रावण ने घोर तपस्या की, और उसके बाद इंद्रजाल का ज्ञान उसे मिला, और उसके बाद रावण ने इंद्र को परास्त किया। तो बहुत गूढ़ रहस्य हैं इसमें, बहुत छिपी हुई बातें हैं जो कि विरले ही कोई जानता होगा। अब तक हम जो समझ पाए हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो इंद्रजाल है ये समुद्र की तलहटी पे मिलता है, और ऐसा नहीं है कि आप एक डुबकी लगाएं और आपको ये मिल जाए। बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही मुश्किल होता है इसको ढूंढना, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में हमारे जो हैं मित्रगण, साधुगण, सब जो है इसकी तलाश में है। जहाँ से भी मिल जाता है तो वो हमें प्राप्त हो जाता है, और इसकी सार्थकता आप खुद माप सकते हैं। आपको क्या करना है कि इंद्रजाल को जो है अपने घर में मुख्य द्वार के सामने स्थापित कर देना है। बस इसकी प्राण प्रतिष्ठा, सिद्धि, वो सब कुछ हम आपको करके देंगे। बस आपको इसको स्थापित करना है अपने घर के सिंह द्वार के सामने, जो पहला जो गेट होता है। जैसे एक तो जैसे कोई बाहर से आ रहा है तो जो पहला सिंह द्वार होता है उस पर नहीं, जब कोई घर के अंदर एंट्री करता है वो वाला द्वार, तो उसके सामने आपको ये लगा देना है। तो इससे होगा ये कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर पर कोई काला जादू नहीं कर पाएगा। कुछ भी किया कराया हो, कोई वास्तु दोष हो, कुछ भी ऐसा हो जो कि आपको हानि पहुंचा सकता है, वो इस इंद्रजाल से ठीक हो जाएगा। मैंने लाखों लोगों पर ये प्रयोग किया है, और जो प्रयोग हुए हैं उन पर वो सकारात्मक हुए हैं। कभी मुझे ऐसा नहीं मिला कि ये यंत्र लगाने के बाद किसी की कोई हानि हुई हो, बल्कि वो दिन रात तरक्की करते गए। जिस बंद दुकान में इसको लगा दिया जाए वो अपना बिजनेस 3-4 जगह और खोल लेते हैं। तो बहुत ही सटीक, मतलब इसको एक बार कहीं पर लगा दिया जाए तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। हमें नहीं पता ये चीज़ कैसे काम करती है, लेकिन अब तक जो हमें पता लगा है वो ये है कि ये जो चीज़ है ये आपके ऊपर एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा बना देती है जिसके घेरे में आप रहते हैं, और जहाँ पर भी आप जाएं, कुछ भी आप काम करें, वहाँ पर आपको सकारात्मक रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गूढ़ रहस्य, जो कि लगभग मैंने न जाने कहाँ कहाँ जा जाकर इनके बारे में पूछा, इनके बारे में पता लगा, तब जाके थोड़ा सा ज्ञान जो है मैं अर्जित कर पाया हूँ वो आपको बता रहा हूँ।
इसको अपने घर में लगाने से आपके ऊपर किया कराया टोना टोटका, किसी की बुरी नज़र हो, वो सब हट जाती है, झड़ जाती है। तो ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ईर्ष्या करके आपके घर पे आता है और चाहता है कि आपका बुरा करे, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जलने वाले जो हैं वो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर देते हैं। बनकर आपके हितेशी आएंगे लेकिन साथ में कुछ ऐसा तंत्र लेकर आएंगे जो कि आपके घर में गाड़ देते हैं, आपके सिर पर डाल देते हैं या फिर आपके खाने में मिला देते हैं। तो इससे जो है आप कंगाल हो जाते हैं, आपका जो है बुरा वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया ये जो इंद्रजाल है ये जिसके पास होगा उन पर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ये यूँ समझिए कि आपके पूरे घर का एक प्रोटेक्शन चार्म है, कुछ भी होगा तो ये जो यंत्र है ये टूट जाएगा। इंद्रजाल जो है वो अपने ऊपर ले लेता है, कोई भी ऐसी समस्या है, कोई भी भारी विडम, कोई ऐसा कुछ भी आए जो कि आपके ऊपर हानि कर सकता है, कोई आपके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ दिया हो, मुठकर नहीं कर दी हो, तो वो भी सारा कुछ ये अपने ऊपर ले लेता है। और जब आप देखें कि इसके कांच के ऊपर तरेड़ आ गई हो, टूट गया हो, तो समझिए कि इसने अपना काम कर दिया है। तो उस समय आपको इसका कांच जो है वो बदलवा लेना है और इसकी शुद्धि करनी है। शुद्धि कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा। जब भी कभी इसमें तरेड़ आए या टूट जाए, नीचे गिर जाए, तो समझिए कि इसने आपके ऊपर आया हुआ एक बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। वैसे ये कभी हिलेगा भी नहीं, लेकिन जब कभी आप पर कोई संकट आएगा उसको अपने ऊपर ले लेगा। तो बहुत ही प्राचीन ये जो जड़ी है ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसको परचेस कीजिए kaliwidya.com पर जाकर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब कभी आप इस यंत्र को लगाएं तो ये देखिएगा कि जो आपका मुख है वो पूर्व की तरफ हो, और ऐसा नहीं है कि आपका अगर दरवाज़ा इस तरफ है और आप पूर्व की तरफ ना कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इसको पूर्व की तरफ लगाना है, चाहे दरवाज़ा कहीं पर भी हो। तो जब भी कोई बाहर से आपका अहित करने की सोचेगा तो ये यंत्र अपना काम शुरू कर देगा। इस यंत्र को बहुत से तंत्र प्रयोगों में भी प्रयोग में लाया जाता है। इस यंत्र का यदि किसी के सिर के ऊपर से 7 बार झाड़ा दे दिया जाए तो जो रोगी होगा उसके ऊपर से किया कराया हट जाता है। यदि आप प्रातःकाल इसका दर्शन करते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह सुबह जब आप उठें तो यंत्र के सामने जाएं, उन्हें प्रणाम करें और फिर अपना दिन शुरू करें, और फिर देखिएगा किस तरह से आपके जो दिन है वो बदलने शुरू हो जाएंगे। यदि प्यार मोहब्बत में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी हो, कोई अड़चन आ रही हो, तो इस यंत्र को अपने बेड के ऊपर लगाएं। बेड के ऊपर लगाने से आपके जितने भी पारिवारिक समस्याएं होंगी, कोई गर्लफ्रेंड आपकी ना सुन रही हो, कोई बॉयफ्रेंड भाग गया हो, कोई गर्लफ्रेंड भाग गई हो, आपकी बात ना सुन रही हो, घर में कलह कलेश रहता हो, तो वो सब भी इससे दूर हो जाता है। यदि घर में कोई वास्तु दोष हो और आप उसे किसी भी तरह से ठीक ना कर पा रहे हो तो इस यंत्र को स्थापित कीजिएगा ईशान कोण में। इसके बाद वो अपने आप जो भी वहाँ का ऑरा होगा उसको क्लीन कर देगा और आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ उस घर में रह पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता कि वास्तु के हिसाब से ही घर बने, क्योंकि जहाँ पर आप अपना द्वार रखना चाहते हैं आपको पता लगे कि आपके पड़ोसी उस तरफ हैं, तो उस तरफ आपको ना करना हो तो फिर क्या करें। तो ऐसे में आपको ये महा इंद्रजाल जो है आपके लिए काम करेगा। आपको बस ये अपने घर में स्थापित कर देना है और भूल जाना है सब कुछ, ये अपने आप अपना काम करता रहेगा। इसका जो मूल्य है वो अलग अलग होता है, छोटा भी होता है ये, बड़ा भी होता है, मीडियम साइज़ का भी होता है, और जितना बड़ा ये होगा उतना ही अधिक इसका जो है मूल्य होगा। और दूसरी बात ये कि यदि आप किसी काले जादू से ग्रसित हैं, कोई भी ऐसे आपको बुरे सपने आते हो, आप नींद में उठ जाते हो 3 बजे 2 बजे
और आपको कोई काला साया दिखता हो या फिर कुछ भी ऐसा महसूस होता हो कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो आपको इसका ताबीज़ भी मिल जाएगा। इसका जो है सिद्ध ताबीज़ हमने बनाया है और इस ग्रहण काल में उसको सिद्धि प्रदान की गई है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। जाइएगा kaliavidya.com पर और वहाँ पर आपको नाना प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र मिल जाएंगे। और कोई अगर साधना करना चाहता है और उसको सामान नहीं मिल रहा किसी भी तरह का, तो आप अपनी जो लिस्ट है वो हमें भेज सकते हैं और जिस चाहे कैसा भी सामान हो वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप kaliavidya.com पर जाकर अपनी जो भी सामग्री हो जो आपको ना मिल रही हो, चाहे वो किसी भी देश के कोने में कहीं से भी मिलती हो, वो आपको kaliavidya.com पर मिल जाएगी। और तंत्र में जो साधक अग्रसर होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना आए और जो सामग्रियाँ उनको प्राप्त होती रहें, तो वो kaliavidya.com से ऐसी कोई भी सामग्री जो कि तंत्र में प्रयोग होती हो वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो वो भी आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और इस यंत्र को लगाने के बाद जो जो आपके अनुभव रहे, कैसा आपको प्रतीत होता है, कैसा आपको महसूस होता है, वो सब हमें बताइएगा। क्योंकि ये अभी रिसर्च जो है चल रहा है इस पर कि ये क्या क्या और काम कर सकता है। अब तक जो हमने देखा है वो बहुत ही सकारात्मक है। इसको एक बार किसी ने लगा लिया तो समझिए उनकी ज़िंदगी बन गई। मेरे पास अभी सिर्फ 20-25 ही पड़े होंगे, इससे अधिक हमें भी नहीं मिले हैं। और जिसको भी चाहिए वो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिएगा ताकि हम इसको प्रोसेस कर पाएँ। धन्यवाद।